मेरे को बताना है कि इसमें रिमाइंडर या शेषफल कितना बचता है। टोकन भागने में x प्लस 1 का किसमें भाग देना है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इसमें हमें को भाग देना है। जबकि इस डिजिट में भाग देने के लिए क्या करें, सबसे पहले डिजिट का सबसे पहले से कंपेयर कराएंगे, तुलना कराएंगे। यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर कितना है, 1 है, तो कितने पावर की कमी है, x की पावर 2 की कमी। तो x की पावर प्लस का है तो यहाँ प्लस रखें, x की पावर 2 का इसमें भाग कराएंगे या गुणा, x की पावर 2 का इसमें गुणा कराएंगे तो जाएगा x की पावर 3। तो x स्क्वायर का गुणा किसमें होगा, प्लस 1 में, तो ये 1 में होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करते हैं अपन, ये माइनस, क्योंकि सपोज अपन जैसे 2 का डिवाइड करते थे किसमें, 16 में करते थे, कितने से डिवाइड करते थे, इसे 105 में। तो सबसे पहले इसका 5 टाइम दे देते हैं, 10 माइनस करते थे, फिर जीरो डिजिट उत्तर दी थी, इस तरीके से अपन डिवाइड दे देते थे। सेम इसी तरीके से अपन को डिवाइड देना, इसमें ये माइनस प्लस कैंसिल, क्या बचा, प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर कितना बचा, प्लस का 2x स्क्वायर, प्लस जो बचा वो इसे उतार लेंगे ऐसे प्लस का। अब सबसे पहले पहली डिजिट देखेंगे इसकी, पहली सबसे पहले साइन है किसका, क्या प्लस में है, तो सबसे पहले प्लस साइन लगाएंगे, इसके मल्टीप्लाई में 2 है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाए सिर्फ एक्स, एक्स की कमी 1x, 2x का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x का प्लस 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा। अब क्या करना है, माइनस, प्लस इन टू माइनस, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, प्लस 3x में से माइनस 2x करेंगे तो प्लस का x बचेगा और प्लस 1 ये रहा। अब अपन को देखना है पहली संख्या, यहाँ भी प्लस की है तो सबसे पहले साइन लगाएंगे कौन सा, प्लस का, यहाँ भी x है, यहाँ भी x, तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, 1, 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे x, प्लस 1 का 1 में होगा मल्टीप्लाई, प्लस का 1, ये माइनस, ये भी माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, आंसर 0। तो जो शेषफल या रिमाइंडर है कितना बचा, 0, और ये अपना आ गया बस। हो गए स्टूडेंट, इस तरीके से अपन को भाग देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन स्टूडेंट, इसी फर्स्ट क्वेश्चन का अपना फिफ्थ क्वेश्चन है, इसी संख्या में अपन को 5 प्लस 2x का डिवाइड देना है, भाग देना है। तो अपन भाग देंगे तो इसे लिख लेंगे 2x प्लस 5 का डिवाइड देंगे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में डिवाइड देंगे, ठीक है। तो से पहली डिजिट और पहली डिजिट देखेंगे, यहाँ है 1, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अलग से सॉल्व कर लेंगे, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना है, x की पावर 3, तो इसमें अपन मल्टीप्लाई करेंगे 1/2x² का, 1/2x² का मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसमें इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका 1/2 प्लस का x², इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा कितना, x³, ठीक है। और 1/2 का x² का 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5/2x², ये माइनस, ये माइनस, ठीक है। अपन को ये चीज वन लाने के लिए क्या करना पड़ा, तभी इतने का मल्टीप्लाई कराएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसमें हम माइनस करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, क्या है अपना, प्लस का 3x² माइनस का 5/2x², तो 2 एलसीएम लेंगे जाएगा 6, 6 में से 5 जाएगा, प्लस का 1x², तो इसको सॉल्व करने में क्या बचा, प्लस का x² / 2 प्लस 3x और प्लस का 1, ये स्टूडेंट। अब देखिए पहली डिजिट, सबसे पहले ये और ये डिजिट को कंपेयर करते हैं, प्लस का है साइन तो प्लस लगाएंगे, अब यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर 2 है, तो 1/2 लाना है, इतने का मल्टीप्लाई कराए इसका और इसका आंसर कितना है, 1/2, तो देखिए 1/4x का गुणा कराएंगे, ठीक, तो 1/4x का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 1/4x का मल्टीप्लाई 2x में कराएंगे तो कितना आएगा, 2 से 2 टाइम आएगा 2, x और x हो गया x² / 2, यही चीज आ जाएगा, तब इसका और इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो x² / 2 आएगा, और 1/x का 1/4x का 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5/4x आ जाएगा, माइनस ये माइनस, ओके स्टूडेंट। तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, प्लस का 3x माइनस का 5x, प्लस का 3x माइनस का 5/4x को सॉल्व करेंगे, 4 एलसीएम आएगा,
12 में से ये आएगा तो प्लस का 7/4 एक्स बचेगा। इन दोनों को सॉल्व करने पे कितना आएगा 7/4 एक्स और प्लस ये रहा 1। अब यहाँ देखिए फर्स्ट डिजिट और ये भी फर्स्ट डिजिट कितने का मल्टीप्लाई करा है कुछ संख्या का जिसका आंसर 7/ कितना आ जाए। मल्टीप्लाई कितने से करवाएंगे अपन 7/8 से 7/8 और यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x लिखकर नहीं प्लस का 7/8 से मल्टीप्लाई करें। जब प्लस का 7/8 से मल्टीप्लाई करा 2x 2 से आएगा कितने टाइम 4 टाइम और x ये बचा तो इसको सॉल्व करने पे क्या आया 7/4 x इसका मल्टीप्लाई से होगा 7/4 x प्लस इसका मल्टीप्लाई 5 से होगा तो 7/5 35/8 ये माइनस ये माइनस प्लस माइनस कैंसिल। अब इन दोनों को प्लस का बाद में ये जोड़ेंगे तो प्लस 1 में से 35/8 घटाएंगे तो 8 एलसीएम आएगा तो 8 - 35/8 तो माइनस का बचे कितना 27/8 तो माइनस का 27/8 यही अपना क्या है रिमाइंडर है और यही अपना शेषफल। तो ओके स्टूडेंट इस तरीके के क्वेश्चन को करना है और इसी तरीके के बस 3-4 क्वेश्चन है तो आपको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट।